अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आकिब है। आज की जो वीडियो है वो रिगार्डिंग ओईटी के प्रिपरेशन से रिलेटेड है। तो बहुत से लोग ओईटी देना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत से मटेरियल्स अवेलेबल है और उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। और कुछ लोग 2 महीने लगाते हैं, कुछ लोग 3 महीने लगाते हैं, लेकिन उनका टेस्ट फिर भी क्लियर नहीं होता। जितना सिंपल स्टडी मटेरियल होगा उतना ही आपके लिए इजी रहेगा और आप पे कोई प्रेशर नहीं होगा कि ये भी करना है, मैंने वो भी करना है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको 30 दिनों का स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि 30 दिनों में आप ओईटी बहुत आराम से दिन का आप 3 घंटे निकाले, 4 घंटे निकाले, आप इजीली पास कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आपके लिए बेहतर है, लेकिन अगर किसी के पास 1 महीने का टाइम है तो ये स्ट्रेटेजी आप लोग अपनाएं। प्रिपरेशन शुरू करने से पहले आपको कुछ वीडियोस देखनी चाहिए जो कि यूट्यूब पे मौजूद है। मैं उसका लिंक भी जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको आइडिया हो कि लिसनिंग का पार्ट ए और बी और सी किस तरह है और रीडिंग का पार्ट ए बी सी किस तरह है। लिसनिंग के लिए आप जो है जशन की फाइल्स डाउनलोड करें। मैं लिंक जो है गूगल ड्राइव का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। आप जशन के फाइल्स डाउनलोड करें लिसनिंग के लिए, उसमें 20 टेस्ट हैं। और रीडिंग के लिए आप बेंचमार्क की फाइल डाउनलोड कर लें, उसमें भी 20 टेस्ट हैं। तो पहले 10 दिनों में आपने डेली 2 जशन के टेस्ट आपने करने हैं जो लिसनिंग है और 2 आपने बेंचमार्क से रीडिंग के टेस्ट करने हैं। तो पहले 10 दिनों में आपका जो है 20 आपके लिसनिंग हो जाएंगे, लिसनिंग टेस्ट, और 20 आपके रीडिंग टेस्ट हो जाएंगे। फिर अगले जो 10 दिन है मतलब 11 से जो 20 दिनों का टाइम है, इसमें आप डेली 1 लिसनिंग टेस्ट करें और 1 जो है आप रीडिंग टेस्ट करें जो, और 2 जो है आप लेटर लिखना शुरू कर लें डेली। तो इन 10 दिनों में आपके 10 और लिसनिंग हो जाएंगे, 10 रीडिंग आपके हो जाएंगे और 20 आपके जो है वो लेटर्स आपके हो जाएंगे। अब बेशक किसी से आप इसको इवेलुएट कर लें। जो आखिरी 10 दिन हैं मतलब 21 से जो 30 दिन के दरमियान, इसमें आपने डेली आपने 1 लिसनिंग करना है, 1 आपने रीडिंग करना है और 1 आपने लेटर लिखना है और 2 आपने स्पीकिंग कार्ड जो है उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। बेशक आप किसी जो टीचर है और जो ओईटी को टीच करते हैं उनसे आप करें, आप किसी भी अपने दोस्त से कर लें। तो ये पूरे 1 महीने का प्लान है, आप सिंपल इसको फॉलो करें, इंशाल्लाह आपका टेस्ट पास होगा।